गुरु काल ने की कोशिश सूरजपुर की घड़ी की सुई बदलने की, लेकिन रहा नाकामयाब। ये क्या? इस घड़ी की सुरक्षा तो सफेद शक्तियों का कवच कर रहा है। जब तक किसी सफेद मायावी का हाथ नहीं लग जाता, मैं इसकी सुई को अपनी काली शक्ति के कांटे से नहीं बदल सकता। उसने चली एक चाल और बच्चों से बदलवाई सूरजपुर की घड़ी की सुई। सूरजपुर में तेजी से बढ़ी लोगों की उम्र। गाइस, ढाल में जरूर कुछ काल है। चलो पापा से इसके बारे में पूछते, उन्हें कुछ ना कुछ तो जरूर पता होगा। ओए, हम यहाँ से निकल रहे तो मैं मेरे स्पीड वाले शूज भी पहन लेता हूँ। अब आगे क्योंकि बच्चों, तुम तीनों रुद्र के रक्षक हो और तुम्हारे ऊपर माँ गुरु का विशेष आशीर्वाद है। पर पापा, बाकी सबकी उम्र बढ़ने की वजह क्या है? समय की मार से कोई नहीं बच सकता बच्चों। ये सब तभी ठीक होंगे जब सूरजपुर की उम्र की घड़ी में असली कांटा लग जाएगा। गाइस, ज्ञान पांडे ने हमें जिस हरी ग्लोब के बारे में कहा था, वो ना हो ये वही जगह है। पर बॉस, यहाँ पर तो कोई दिख ही नहीं रहा है। इसका मतलब बुरा समय जरूर अंदर होगा। यहाँ पर सब कुछ इतना आसान, ये जादुई लोग। जादुई लोग में कुछ भी आसान नहीं होता है। अभी यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। हाँ, तू सच कह रहे विशु, वो गड़बड़ बहुत खतरनाक भी होगी। पर हम रुद्र के रक्षक है, हमें सारी शक्तियाँ इन्हीं सब मुसीबतों से लड़ने के लिए मिली है। आदित्य कहाँ चले गए? बाहर तो नहीं? अब आदित्य, आदित्य कहाँ चले गए? मुझे इन्हें बच्चों को स्कूल लाने भेजना था। आदित्य, अब मैं क्या करूँ? ये तो वहाँ चला गया, यहाँ से वहाँ से यहाँ चला गया। मैं फिर कुछ कर दूँ। एक बार आखिरी बार फिर से मंत्र पढ़ती हूँ। आखिरी मंत्र, मंत्र इच्छा उड़ीतम। हाँ रुक्मिणी, मैं बच्चों को स्कूल से लेकर आता हूँ, तुम परेशान मत हो। अब तो मैं परेशान होना तभी बंद करूंगी जब मेरे बच्चे मेरी आंखों के आगे होंगे। आप जल्दी जाएंगे।